वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम गाइस। आज 15 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइड। लग रहा है ना मस्त? तो चलो अभी चलते हैं राइड पे, अभी देखते हैं कहाँ जाना है। तो गाइस थोड़ी सी बारिश आ रही थी ना, तो अभी लेट निकलते हैं। तो चलो अभी चलते हैं राइड पे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा है, सिटी में घूमते हैं फिर चलते हैं इधर। ये हमारी स्कूल हुआ करती थी पहले गाइस, एक नंबर। अभी गाइस रोड रिएक्शन मालूम करते हैं कैसा है, सब देख रहे हैं अपने को। किसी के पास ऐसा है फ्लैग नहीं है ना भाई। लद्दाख वाला फ्लैग है गाइस, पीछे लगाया है। ए दिखा आपको गाइस, ये पीछे लद्दाख वाला फ्लैग माउंट किया है मैंने मिरर में। अभी अच्छे से शूटिंग करते हैं, चलते हैं मंदिर गाइस। अमलसड़ वाला मंदिर चलते हैं, भोलेनाथ का मंदिर है। फिर बिलीमोरा सिटी में घूमेंगे, थोड़ा सा राउंड मारेंगे मस्त, थोड़ा सा हवा खा लेते हैं ना, बहुत गर्मी लगी है भाई साहब। बहुत ही मज़ा आता है भाई मेरे को राइड करने का। गाइस ये वाला पुल है ना, अभी भारी वाहनों को बंद कर दिया आने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। न्यूज़ में आया था तो मैंने आपको बता दिया। सुबह सुबह में जाएंगे फिर बिल्लीमोरा घूम लेंगे ना यार। सुबह सुबह जाने का एक ही फायदा है गाइस, क्या है कि ये जैकेट में गर्मी बहुत लगती है, तो उसमें हवा के कारण अपने को सूखा अंदर मिलता है। अभी मैं गियर्स पेन के नीचे निकला ना, तो बहुत ही अंदर स्वेट स्वेट हो गया गाइस। और क्या बोलना था गाइस, अभी सुबह में ये राइड कर लेंगे फिर अंदर बिल्लीमोरा में सिटी में जाएंगे मस्त, और रिएक्शन मालूम करेंगे, मजा आएगा भाई साहब। देखने वालों को भी अच्छा लगेगा और अपने को देख के भी अच्छा लगेगा, वाह मजा आएगा ना गाइस। पहली बार ऐसा मैंने किया है, अभी रोड रिएक्शन तो अच्छा ही मिल रहा है। 15 अगस्त में राहुल सोला वायरल तो हो जाएगा ना। 2-3 सब्सक्राइबर भी अपने गेन हो जाएंगे गाइस। गाइस अच्छा है ना, पहले के मुकाबले अच्छा कर दिया है अभी। सो गाइस फाइनली अमलसड अंधेश्वर मंदिर हम आ गए हैं, महादेव का मंदिर है ये गाइस। अंदर से चलते हैं क्या? चलो ना अंदर चलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? 15 अगस्त में मंदिर का दर्शन भी कर ही सकते हैं। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, चलो चलते हैं अंदर, बहुत ही गर्मी लग जाएगी यार। तो गाइस इधर है ना शूज रखने का भी ऑप्शन है, इधर शूज रख सकते हो आप, अंधेश्वर मंदिर। इधर कैंटीन भी है गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है इधर आने का, बहुत ही मस्त। चलो अंदर चलते हैं। जय भोलेनाथ। गाइस ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि हम मंदिर आएंगे, पर मूड रुक गया तो मैं इधर आ गया एक्सप्लोर करने के लिए अंधेश्वर। ऐसा अपना तो खाली बिल्लीमोरा में राउंड करना ही है, घूमना ही है पूरा बिल्लीमोरा में। बिल्लीमोरा में मस्त राउंड मारेंगे और सब एक्सप्लोर कराएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा, अभी रिएक्शन भी ये नोट करेंगे, मजा आएगा। तो ये अंधेश्वर मंदिर का गार्डन है गाइस, बहुत ही मस्त है। इधर आप बैठने के लिए आ सकते हो, पीस आउट माइंड हो जाएगा इधर, बहुत ही मजा आएगा भाई। मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ गाइस, पूरा अपना मंदिर। जय अंधेश्वर बाबा, एक नंबर, जय भोलेनाथ। तो सावन महीना स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए मैंने दर्शन भी कर लिया।
गाइस इधर से हम जो ट्रेन में चलते हैं ना तो मंदिर भी दिखता है गाइस। बिल्लीमोरा से अगर आप आओगे ना तो इधर दिखेगा अंधेश्वर मंदिर। मैं जब अप डाउन कर रहा था ना तो इधर से दिख रहा था। चलो चलते हैं भाई, बहुत ही गर्मी लग रही है गाइस। ये विंटेज पुराने जमाना का ये जो पार्ट्स है ना इधर रखे हैं म्यूजियम के तौर पे, उसको क्या बोलते हैं, देखने के लिए गाइस। और क्या अच्छा है इधर सब, आप आ सकते हो, मजा आएगा, एक बार आना। पौराणिक मंदिर है ना उसका पार्ट्स है गाइस, पुराने जमाने के, बहुत ही साल पुराने हो गए असल। ओके गाइस चलो निकलते हैं, पेट्रोल भी भरवाना है। कभी रिएक्शन नोट करते हैं गाइस। बहुत ही रिएक्शन आ रहा है गाइस, क्योंकि इधर कोई राइडर नहीं रहते हैं ना भाई, इसीलिए इधर बहुत ही कम राइडर रहते हैं। छोटे बच्चों का रिएक्शन गाइस मस्त है ना, अच्छा लग रहा है ना, अपने को बहुत अच्छा लगता है भाई, है ना। तो गाइस अभी चलते हैं बिल्लीमोरा, बिल्लीमोरा में एक्सप्लोर कराता हूँ आपको। अभी क्या है कि सुबह सुबह उठ गया ना तो अच्छा लग रहा है, 6:30 बजे गाइस उठ गया था मैं। मम्मी कहने दी मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, अब मैं ज़्यादा जल्दी से उठ जाता हूँ ना तो। इसमें क्या है कि अच्छा लग रहा है, ये सूट में पहनते ना तो रोड रिएक्शन अपने को मिलता है गाइस। तो ऐसा राइडर दोस्त है नहीं और क्या करो, और नंदू को ऐसा कुछ शौक है नहीं तो इसीलिए वो नहीं आया साथ में, उसको शौक जगाना का है अपने को। तो अभी गाइस अभी रोड रिएक्शन मालूम करते हैं, थोड़ा सा ही राउंड करेंगे फिर घर पर चले जाएंगे। खाली है गाइस, 9:30 बजे सब तो सब सोते हो गए, मैं भी पहले सोता था, YouTube आने के बाद सब चेंज हो गया गाइस। 9 बजे तक सो रहा था मैं। गाइस ये हमारा बिल्लीमोरा का बस स्टैंड है, जन्म तारीख मालूम है अपनी, मरण डेट मालूम नहीं है। रास्ते में साला जो देखते हैं ना हंसते हैं तो दिक्कत नहीं है अपने को, वो तो साले कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही मर जाएंगे। चलो गाइस बहुत ही डीमोटिवेशन नहीं होना है अपने को, अपना काम अपने को करते रहना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी यार, गर्मी लग रही नहीं, अंदर पावर आ रहा है। देखो ऐसा चेतन भाई ने हमको अंगूठा दिखाया है, अच्छा लगा अपने को। सोमनाथ चलते हैं गाइस, देखते हैं वहाँ पे कुछ है कि नहीं। गाइस ये सोमनाथ महादेव मंदिर हमारे बिल्लीमोरा का, अभी इधर मेला लगना स्टार्ट हो चुका है गाइस, अभी आप आ सकते हो इधर घूमने के लिए। चलते हैं अंदर, अगर जाने देते हैं तो राउंड मार के आ जाएंगे। अच्छा है ना, महादेव बुला रहे हैं हमको। तो ये सोमनाथ महादेव मंदिर है गाइस हमारा बिल्लीमोरा का, देखो ऐसा हो चुका है यार, अब इसको सही करेंगे अच्छे से। जय सोमनाथ महादेव। मजा आ गई गाइस, जो चाहिए था वो मिल गया अपने को, बिल्लीमोरा में नाम अपना हो जाएगा। जहाँ अपना जन्म होता है ना वहाँ से नाम होना चाहिए। यहाँ पे कोई मोटो ब्लॉगर है नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं करता है ना, ऐसा कोई करता नहीं है, सब देखते हैं हंसते हैं। जय साईनाथ, जिसको कुछ करना नहीं रहता है ना वो हंसते हैं, बाकी सब अच्छे।
गाइज अभी पाउडर कोटिंग में देख लेते चालू है कि नहीं, क्योंकि मेरे को सामान देने के लिए इधर आ रहा है अपने को। ऑफ है लग रहा है मेरे, छुट्टी है क्या आज? चलो गाइज आज का काम कैंसिल हो गया है, कोई बात नहीं, अपने पास है स्कूटर का काम तो करना ही है, पी कोटिंग इंडस्ट्री। छोटे छोटे बच्चों को हाई करते मजा आ गया गाइस, ऐसे ही लाइफ में मजा ले लेने की, आपको भी पता नहीं अभी कब तक जिंदगी अपनी चलेगी। अपनी तो बहुत चलेगी भाई साहब, क्यों अपनी, क्योंकि अपनी जिंदगी में हम है ना सर्विस करते हैं और बॉडी को भी सर्विस करते हैं। अभी मैराथन जाने का है अपने को, 27 अगस्त को गाइस जाएंगे मैराथन, आपको दिखाऊंगा मैं, अभी चौथा मैराथन है गाइस। देखो लेडीज गाड़ी चला रही है गियर वाली, है ना, पैसा वसूल हो गया कि नहीं आज का? ये गाइस बिल्ली मोरा है, बिल्ली मोरा बहुत ही अच्छा लगता है भाई, आप देखो भारत माता की जय। भाई साहब मजा आ गया रोड रिएक्शन देख के, खड़ा मार्केट से जाएंगे। पंद्रह अगस्त आज का यादगार रहेगा गाइस, वो क्या है छठी में का प्रोग्राम में गाइस बहुत ही भागदौड़ थी, इसीलिए बहुत ही मेरा फेस नहीं दिखाया मैंने, और काम बहुत था इसीलिए थोड़ा सा वीडियो ले लिया था, जो जितना हुआ उतना अच्छा, बाकी सब अपना सही है कि नहीं भाई सब? पेट्रोल भरा लिया है गाइस 600 रुपये का, बहुत ही हार्ड ड्राइव था कल तो, 261 किलोमीटर गाइस, 261 किलोमीटर खतरनाक। चुड़ाई जाओगे रैली से? नहीं रैली से, रैली तो मैं पूछू छू, फरगावाना आमाज राइड करवा, मंदिर है, चलो जय हिंद जय। चलो अभी तो अच्छा लगा कि नहीं गाइस? वो क्या है कि पुलिस सर लोग के साथ नहीं फरका सकते, क्योंकि वो लोग वर्दी में है, हम तो अपनी वर्दी में राइडिंग वाली। तो कम्युनिटी जरा सा अलग हो जाती है, अगले साल सब बिल्ली मोरा वाले मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे ऊपर वाले की दुआ से। ओके गाइस तो अभी इस वाली राइड को करते हैं समाप्त, तो चलते हैं घर पे, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, 15 अगस्त की बधाई हो, बहुत ही राइड कर ली, बहुत ही गर्मी भी हुई अंदर लग रही है, खतरनाक गर्मी गाइस, पूरा कपड़ा अंदर का है ना पूरा भीग गया है भाई साहब, वड़ा पाव। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं, वीडियो एडिट करने का भी एक खतरनाक टास्क है।
ओके गाइस, तो फाइनली राइड करके घर पे आ गए हम और थोड़ा सा फोटो शूटिंग भी किया और वीडियो नहीं लिया क्योंकि वीडियो लंबा बनता है ना, तो नंदू को मैंने फोन किया था और थोड़ा सा फोटो गिरा लिया और थोड़ा सा वीडियो भी बना दिया और मेरी बहन को भी मैंने बोला तो भी मस्त फोटो पार दिया उसको। चलो अभी अच्छा हुआ कि मैं इधर था, वहाँ पे कोई फोटो नहीं पार के नहीं थे, कोई दोस्त नहीं है ना वहाँ पे, इसीलिए इधर मैं आया था। तो चलो अभी गाइस, जो हमने जो टीपॉय खोला था ना तो उसको मैं कांच लिया है और एक प्लाई भी लिया है मैं, और उसको असेंबल करते हैं। और जो टीपॉय में हमने बोला था ना कि रिस्टोरेशन करना है, उसका काम हो गया है और जो ग्लास है ना वो भी कटिंग करके आ गया है, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी टीपॉय असेंबल करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं, और आज जो जो होगा ना वो आपको मैं दिखाते रहूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। क्या है कि वो ग्लास है ना टूटा हुआ घर में नहीं रखते है क्योंकि उसमें ना आप सुकून माना जाता है। ये टीपो है ना गाइस बंकर में देने के लिए बोल रहे थे घर वाले, तो मैंने इसको रिस्टोरेशन कर दिया, ऐसा टूट गया था तो इसीलिए मैंने इसको राउंड करवा लिया। और यस ओके गाइस, तो मैं पाउडर कोटिंग से सब सामान लिया है स्कूटर का, और इसका जो सामान भी पाउडर कोटिंग में दे दिया था, जो टीपो का चैनल सपोर्ट था ना उसको भी मैं पाउडर कोटिंग करवा लिया था गाइस, स्कूटर के साथ साथ उसको भी दे दिया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जो चार सपोर्ट है ना वो ये साइलेंसर गाइस, अपना स्कूटर का साइलेंसर। गाइस जो जिंक कोटिंग किया था ना उसका पहले का वीडियो देख लेना और अभी का देख लीजिएगा। ये प्लाई अच्छी नहीं लग रही थी, तो प्लाई लगाना रीज़न क्या था कि नीचे कॉर्नर पे जो दीवार पे लगता था ना तो ये कॉर्नर है ना टूट जाता था, इसीलिए मैंने प्लाई लगाया नीचे। बाकी ये गाइस इधर भी पहले इधर भी कांच था और इधर भी कांच था, तो ये वाला कांच लगा के मैं इधर का जो था ना वो टूट गया था, तो इसीलिए मैंने इसका ऊपर कर दिया और इसके नीचे प्लाई लगा दी, तो अच्छा नहीं लग रहा था ये प्लाई तो इसको मैंने निकाल दिया। तो अपना 150 रुपये की ये प्लाई है, अब इसको पैसे अपने वेस्ट हो चुके हैं। कैसे है भाई? अच्छा है ना? उसको गाइस कल है ना वो बहुत वेल्डिंग का काम किया ना, तो उसकी आँख पे है ना
वेल्डिंग का पाउडर जो आता है ना वो चला गया, तो उसके लिए वो आराम पे आज, फिर भी मेरे लिए वो आया। उसका सर बहुत दर्द कर रहा है, अपना दोस्त है भाई, एक आवाज भी आ जाता है। मेरे घर वाले ना इसको पंगर में देने वाले थे, तो अभी इसका वैल्यू कितना हो गया अभी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, है ना गाइस। तो अभी आपको मैं राउंड बाय राउंड करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा अपना काम हो गया गाइस, ठीक है ना, मस्त अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके गाइस चलो अभी दूसरा कुछ काम करते हैं। तो गाइस ये पीस लगाना बाकी रह गया था, तो ये मैं नट लेके आया हूँ, नट बोल्ट, तो अभी इसको फिट कर देते हैं। ओके गाइस तो ये पाउडर कोटिंग में दे दिया था, इधर से जंग लग गया था ना, हाँ इस साइड से जंग लग गया था ना, तो इसको भी मैं पाउडर कोटिंग में दे दिया था, तो ऐसे लग जाएगा इधर।